हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं करेले की पत्ते के पकौड़ा, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो चलिए बनाते हैं। जिसके लिए हमने 100 ग्राम चावल को पानी में 2 घंटे तक भिंगो के रखे हैं। अब उसे हम पीस लेंगे। दोस्तों, पीसते समय इसमें हम 4 लहसुन की कलियां डाले हैं, दोनों को पीस लिए हैं। अब इसमें डालेंगे मसाला। मसाला में हमने नमक स्वाद अनुसार, हल्दी, आधा चम्मच मिर्च पाउडर लिए हैं। ये तीनों को हमने मिला दिए हैं। दोस्तों, ये मसाला डालने के बाद इसे हमने 2 मिनट तक अच्छे तरह फेंट लिए हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हमारा करेले पत्ते का बैटर बनके तैयार है। इसके लिए हमने 25 करेले के पत्ते फ्रेश लिए हैं। दोस्तों, ये पकौड़ा बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, आप लोग इसे ज़रूर बना कर देखिए। और इधर हमने कढ़ाई गर्म किए हैं, जिसमें डाले हैं तेल। इस पत्ते को हम दोनों हाथ से, दोनों साइड से दबाकर इसे डाल देंगे गर्म तेल में। ये देखिए दोस्तों, हमारा एक तरफ करेला सिक गया है। अब इसे फिर हम दूसरे तरफ घुमा दिए हैं। दोस्तों, ये करेले के पत्ते का तरुआ बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, आप लोग इसे जरूर ट्राई कीजिए और मेरे साथ जरूर से जरूर कमेंट शेयर कीजिए। ये मेरा करेला के पत्ते का पकौड़ा बनके तैयार हो गया है। अब इसे निकाल लेंगे। ऐसे ही करके हमने दोबारा फिर डाल दिए हैं। दोस्तों, ये पकौड़ा आप चावल, दाल, रोटी, सब्जी, चाय के साथ, आप किसी के साथ भी इसे खा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी होते हैं। एक तरफ पकौड़ा सीख गया है, अब इसे हम पलटा देंगे। ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छा पकौड़ा फ्राई हो रहा है। दोस्तों, इसे हम लो टू हाई आंच में फ्राई करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा ये पकौड़ा भी बनके तैयार हो गया है। तेल थोड़ा मेरा मीडियम गर्म हो गया था, इसीलिए हम इसको गैस को हाई करके तेल गर्म कर लिए हैं और फिर से इसको डालेंगे पकौड़े को। इसे हम उल्टा पलटा लेंगे, जिससे पकौड़ा मेरा अच्छा बने। ये देखिए दोस्तों, मेरा एक तरफ हो गया है, अब दूसरे तरफ इसे पलटा दिए हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे। ऐसे ही करके फिर हम सारे पकौड़े को एक एक करके फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, ये पकौड़ा मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, आप लोगों को भी ये ज़रूर पसंद आएगा।
आप लोग इसे जरूर ट्राई कीजिए। ये देखिए दोस्तों, मेरा सारा पकोड़ा बनके तैयार हो गया है। कितना क्रिस्पी लग रहा है मेरा पकोड़ा सारा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।